दोस्तों आज हम बनाएंगे की से निकला हुआ खोया से मिलके पहले एक कप दूध लेंगे उसे उबाल लेंगे फिर हम एक कप घी से बचा हुआ खोया डालेंगे अब इसे पकाएंगे अब हम डालेंगे 1/3 खाखूट का पाउडर सब को अच्छी तरह से मिलाएंगे अब हम 1/3 कप चीनी डालेंगे अब हम इसे धीमी आंच में पकाएंगे जब तक मावा सूख न जाए अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे मिक्सचर रेडी है अब हम एक मिक्सचर को ग्रीस किया हुआ बर्तन में डालेंगे अब चम्मच की मदद से करेंगे कटे हुए बादाम से गार्निश करेंगे आधा घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे फ्रिज से निकाल लेंगे और पीस पीस में काटेंगे आपका मिल्क केक रेडी है अगर आपको अफलातून का पेस्ट चाहिए आप इसमें आधा चम्मच जायफल पाउडर